नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सरनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। भीनमाल शहर में आज उदयपुर में टेलर की तालिबानी तरीके से हत्या करने के मामले में बुधवार को संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर शहर में बाजार पूरी तरह से बंद रहा। इस दौरान व्यापारियों एवं विभिन्न संगठनों के ने हत्याकांड का कड़ा विरोध करते हुए उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उदयपुर की घटना को लेकर सुबह से ही व्यापारी व सामाजिक संगठनों के लोगों के मार्ग चौक पर एकत्रित हो गए। यहाँ पर राज्य सरकार की विरोधी नारे लगाते हुए कुछ देर के लिए मार्ग जाम कर दिया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि उदयपुर की घटना समाज को झकझोर कर देने वाली है। इस घटना से यह जाहिर होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसके पश्चात जुलूस के उपखंड में कार्यालय पहुंचे विभिन्न संगठनों के लोग मार्ग चौक पर एकत्रित हो गए थे, जिसके बाद जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की। इस दौरान लोगों ने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कन्हैया लाल के परिवार को न्याय मिल सके। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने SDM कार्यालय का घेराव किया। उदयपुर में हुई हिंदू टेलर की हत्या के विरोध में भीनमाल में सभी व्यापारिक संगठनों हाथ ठेला लोरी यूनियन नाश्ता यूनियन सहित शहर के सभी यूनियन द्वारा सामूहिक रूप से भीनमाल बंद रखकर उदयपुर में हुई घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। वही मार्ग चौक पर भीड़ एकत्रित होने पर पुलिस उप अधीक्षक सीमा चोपड़ा व पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण सिंह चंपावत के नेतृत्व में SDM कार्यालय से लेकर मार्ग चौक तक भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा।